अस्सलाम वेलकम टू माइक गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अपनी एक्सेल में जो हमारी टैप शीट्स होती हैं अगर वो सारी प्रोटेक्टेड हों, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हों, ठीक है, और हमें उनको एक साथ अनप्रोटेक्ट करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि आपको अगर अपनी सारी टैप शीट्स को जो है वो एक साथ पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर उसी को आपको अनप्रोटेक्ट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, मेरे पास शीट है जो आप देख सकते हैं कि सारी जो है वो मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। चंद शीट्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको स्टूडेंट्स की इमेजेस लगानी बताई थी, जो आप कमेंट्स के ऊपर इमेजेस लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने एक स्क्रॉल बार बनाया था। अच्छा, ये स्क्रॉल बार जो है हमारा नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पर मैं कॉलम नेम में आ जाता हूँ। इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने फार्मूलाज जो है वो समझ में नहीं आते कि आपने किस सेल को किस से मल्टीप्लाई किया हुआ, उसका रेफरेंस समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे जो है आप लोग फॉर्म यूज़ करके और उसको कॉलम नेम से कॉल करा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो मैंने फॉर्मूले के ऊपर क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्वांटिटी अमाउंट से, ठीक है। तो ये आपको जो है वो समझ में आ रहा है कि हाँ, ये यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को अमाउंट से मल्टीप्लाई किया। अब अगर इसकी जगह B2 मल्टीप्लाई बाय C2 लिखा होता तो वो आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फॉर्म यूज़ किया हुआ है तो इसलिए जो है वो हमारे पास कॉलम के नेम से जो है वो उसको कॉल करा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो उस तरीके से समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सर्चेबल ड्रॉप डाउन है, ठीक है, जो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास ये शीट जो है वो प्रोटेक्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, खैर, मैंने आपको सर्चेबल ड्रॉप डाउन बताया था कि अगर आपको सर्चेबल ड्रॉप डाउन बनाना हो तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने ये इमोजेस बनाए थे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे टेम्परेचर बताया था उसके हिसाब से इमोजेस सेट किए थे। यहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, ये अभी इसमें किसी में भी चीज़ में जो है मुझे ऐड करना, क्योंकि ये शीट जो है वो प्रोटेक्टेड है। अब अगर मुझे इन सबको प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट करना है तो मैं वन बाय वन नहीं करूँगा, ठीक है, बल्कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैक्रो यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं मैक्रो खोल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास कोडिंग है, आपको सिर्फ इसको कॉपी करना है, एक्सेल में जाना है, डेवलपर टैब पे जाना है। डेवलपर टैब अगर आपके पास ऑन नहीं है तो आप कस्टमाइज विंडो में जाके डेवलपर टैब पे जो है वो चेक लगा के इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। हम डेवलपर टैब पे गए, विजुअल बेसिक पे गए, उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, मॉड्यूल ऐड करेंगे और यहाँ पे जो हमारी कोडिंग थी उसको हम जस्ट पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और हम इसको सिंपल यहाँ पे रन कर देंगे। जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमसे ये पासवर्ड पूछेगा, ये वो पासवर्ड है जो आपकी सारी टैप शीट्स के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मुझे बताया कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, इसको मैंने, अच्छा, मैं इसको पहले रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ, ठीक है, 5 तक देता हूँ। तो क्या कह रहा है, देर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब आपका जो पासवर्ड है उसके अंदर कोई मसला है, ठीक है। तो मैंने इसको दोबारा रन किया और मैं यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड देता हूँ, मैंने ओके कर दिया। अब देख सकते हैं कि इसने थोड़ी सी लोडिंग ली और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और रिव्यू पे आते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि मेरी सारी शीट्स जो है वो यहाँ पे अनलॉक हो चुकी हैं। जैसे अगर मैं स्क्रॉल बार को जो है अपने रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से सर्चेबल पे भी अगर मैं यहाँ पे शू लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे अलाउ कर रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से सर्चेबल में सिर्फ जो मैंने टाइप किया था उसी की डाटा जो है वो शो हो रहा है लिस्ट के अंदर, ठीक है। इस तरीके से इमोजीज हैं, अगर मैं यहाँ पे इसका डाटा चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं कि वो भी जो है टेम्परेचर के हिसाब से इमोजीज चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपनी सारी टैप शीट्स को वन क्लिक के ऊपर जो है वो अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये उस वक्त हो सकता है जब आपने अपनी सारी टैप शीट्स का जो पासवर्ड है वो सेम रखा हो, ठीक है। अगर आपने सेम पासवर्ड रखा है और आप उसको अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जो है वो उनको सबको एक साथ वन गो के अंदर जो है वो अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।